Hello shining stars, a very warm welcome to your social studies class, and this is your learning buddy Aprajita with your own book Jelly Bean Journeys in Social Studies Class 8 by Brain Root series. And children, today let's start with chapter number 3, Ruling the Countryside. तो आइए देखें क्या है इस चैप्टर में. Sum and Substance. About the new land revenue settlements introduced by the British. जो ब्रिटिश ने नए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे उसके बारे में पढ़ेंगे. How commercialization of agriculture impoverished the Indian peasantry. Okay, now children, let's find out, retrieve. The British brought about widespread changes in the field of land revenue system, agriculture, trade and industry in India. अब as we know कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, एग्रीकल्चर में और ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंडिया में, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री चल रही थी. दीज पॉलिसीज वर डिजाइन टू प्रमोट ब्रिटिश इंटरेस्ट इन कॉलोनियल इंडिया. डिस्कस हाउ दीज पॉलिसीज वुड हैव इफेक्टेड द इंडियन पीपल एंड इंडिया. और इन चेंजेस का और ये जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी इसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन लोगों पे और इंडिया पे. दिस व्हेन वी रीड द चैप्टर विल फाइंड आउट. रूरल लाइफ बिफोर द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस वॉज सिंपल. अब जो विलेज की लाइफ थी, रूरल लाइफ मीन्स विलेज लाइफ जो थी, वो बहुत सिंपल थी जब तक कि यूरोपियंस नहीं आए थे, यूरोपियंस के आने से पहले तक. द इंडियन विलेजेस वर मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट. वो सेल्फ सफिशिएंट थे, इतना था उनके पास कि उनके लिए पूरा हो जाता था. द पीजेंट फैमिलीज कल्टिवेटेड द लैंड एंड पेड अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू द रूलर्स एज द रेवेन्यू. अब पीजेंट फैमिलीज जो थी, जो कल्टिवेशन करते थे, वो क्या करते थे, लैंड को कल्टिवेट करते थे और जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका कुछ पार्ट वो रूलर्स को एज अ रेवेन्यू दे देते थे. द रेवेन्यू वॉज जनरली कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन और द इंटरमीडिएटरीज. When East India Company came to India, अब जब East India Company आई इंडिया में, they obtained the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa in 1765. 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी rights ले ली. It changed the way of revenue collection. अब ऐसा करने से जो revenue collection का तरीका था वो बदल गया. Revenue was now collected as a fixed amount. और अब एक amount fix कर दिया गया था revenue के लिए कि इतना amount देना ही है. New land revenue settlements क्या थे ये? The villages were self-sufficient and agriculture was the main occupation. Land revenue was the most important source of income of the colonial government. Colonial government का जो सबसे important source of income था वो था land revenue. Most of the products were produced in the village itself. ज़्यादातर products जो है वो उनका production कहाँ होता था, village में ही होता था. Every village had a panchayat to settle disputes. और हर एक village में एक panchayat बनी हुई थी जो कि कोई भी किसी भी तरह के झगड़ों का निपटारा करती थी. The farmers had right over the land which they cultivated. और जो भी farmer किसी land को cultivate करता था वो उसका अपना होता था. During the time of disasters, the revenue was either reduced or waived. और कभी जब जैसे कि सूखा पड़ा या बहुत ज़्यादा बारिश में फसल खराब हो गई तो उसमें क्या होता था कि जो रेवेन्यू है या तो एक कम कर दी जाती थी और या इसको बिल्कुल ही ख़त्म नहीं लिया जाता था. वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स केम इनटू प्रैक्टिस टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, बट दे फेल्ड एज दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड बट स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम पीजेंट्स. सिंस द कलेक्शन ऑफ टैक्स वॉज अ वाइटल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी. कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी टैक्स कलेक्शन. दे इंट्रोड्यूस थ्री न्यू सिस्टम्स टू कलेक्ट रेवेन्यू. अब उन्होंने तीन नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए. वॉट वर दे? जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, इन बंगाल जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट. रायतवारी सिस्टम,
इन मद्रास इन बॉम्बे, मद्रास बॉम्बे में रायतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एंड महलवारी सिस्टम इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द पंजाब, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट? द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. द मेन प्रोविजंस ऑफ द सेटलमेंट इंक्लूडेड दीज. अब इस सेटलमेंट के, परमानेंट सेटलमेंट के मेन प्रोविजंस क्या थे? द जमींदार्स वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड. लैंड का ओनर किसको बनाया गया? जमींदार्स को. दे वर्कड एज एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू. और वो गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते थे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने में. द जमींदार्स हैड टू पे अबाउट 89% ऑफ द कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. और जितना भी वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका 89% उनको गवर्नमेंट को देना होता था. दे वर परमिटेड टू रिटेन 11% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड. और उनको 11% अपने पास रखने की परमिशन थी. द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर 10 years ऑन अ परमानेंट बेसिस. और 10 years के लिए वो उतना लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था परमानेंट बेसिस पे. द जमींदार्स वर गिवन हेरिडिटरी राइट्स ऑफ द जमींदारी. और जमींदार्स को हेरिडिटरी राइट्स मिल गए थे जमींदारी के, कि उनके बाद उनके बच्चे भी जमींदार बन जाते. लिमिटेशंस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. अब इस परमानेंट सेटलमेंट के कुछ लिमिटेशंस थे. क्या थे वो? इट क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ जमींदार्स हु बिकेम द पॉलिटिकल एलीज ऑफ द ब्रिटिश. अब इससे क्या हुआ, जब जमींदार्स को इंट्रोड्यूस किया तो ये एक नया क्लास बन गया लैंडलॉर्ड्स का. किसके फॉर्म में? जमींदार्स के फॉर्म में. Many of the wastelands of forests were brought under cultivation. The permanent settlement was a heavy and oppressive assessment. Taxes were often collected by oppressive methods. ये एक बहुत heavy oppressive method बन गया था taxes collect करने का. The position of the actual cultivators of the soil worsened as they could be evicted by the zamindars on non-payment of dues. अब ये जो कल्टीवेटर्स थे जो सॉइल को कल्टीवेट करते थे, एक्चुअली जो करते थे कल्टीवेट, उनकी हालत और बदतर हो गई क्योंकि वो जमींदार उनको कभी भी एविक्ट कर देते थे अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते थे, रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे. इन द लॉन्ग रन दिस सेटलमेंट बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स मोर देन द गवर्नमेंट. और इससे गवर्नमेंट का ज़्यादा फायदा नहीं होता था, इससे लैंडलॉर्ड्स का ज़्यादा फायदा होने लगा. By increasing the area under cultivation, the land revenue collected from the peasants went up while the amount that they had to pay to the state remained fixed. अब इससे क्या हुआ कि जो अगर एरिया बढ़ता गया, कल्टीवेशन का एरिया बढ़ता जाता था, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था पीजेंट्स से वो तो हाई होता चला गया, बढ़ता चला गया, लेकिन जो अमाउंट स्टेट को दिया जाता था वो फिक्स्ड ही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं. Now, next was the Royatwari system. The Royatwari system was a land revenue system in British India that was introduced in the late 18th century by Captain Alexander Reid and Thomas Munro. Captain Alexander Reid or Thomas Munro ne late 18th century mein kya introduce kiya? Ek system introduce kiya jisko kaha gaya Royatwari system. And it was a land revenue system. The system was designed to allow the government to collect from cultivators or royats and to give the peasants more control over their land. अब इस system में ये system ऐसा design किया गया जिससे कि government को वो collect cultivators से collect करती थी revenue और जिससे कि peasants को ज़्यादा से ज़्यादा control मिल जाता था अपने land के ऊपर. The system was first introduced in Tamil Nadu in 1820 and later spread to other states including Maharashtra, Assam, East Punjab and Kurk. The Royatwari, a system directly with the royats or cultivators, was adopted mainly due to these reasons. Ab ye jo Royatwari tha,
ये एक सिस्टम था डायरेक्टली, ये किसके साथ था? रॉयट्स के साथ. रॉयट्स किसको कहते थे? कल्टीवेटर्स को. और ये मेनली डेवलप हुआ कुछ रीजंस के कारण. वो रीजंस क्या थे? देयर वॉज नो जमींदार्स और अदर इंटरमीडिएटरीज विथ हुम द सेटलमेंट कुड बी कैरीड आउट. अब कोई जमींदार नहीं था, कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं थे जिसके साथ कि ये सेटलमेंट आगे चलाया जा सकता. इट प्रोड्यूस्ड मोर रेवेन्यू दैन एनी अदर सिस्टम. किसी भी सिस्टम में इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, इतना रेवेन्यू नहीं प्रोड्यूस कर पाया कोई भी सिस्टम जितना रॉयट वाले सिस्टम ने किया. रेवेन्यू वॉज फोर्स्ड एज 1/3 ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस. लेकिन रेवेन्यू कितना था? 1/3 जितना की ग्रॉस प्रोडक्शन होती थी उसका 1/3. द पीजेंट्स वॉज हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट and time was fixed for a period of 20 to 40 years. Ek time period fix kar diya gaya tha revenue payment ka, 20 to 40 years at a time. Now limitations of the Raitwari system. Ab is Raitwari system ke kuch limitations the. Kya the wo? The Raitwari system became oppressive ho gaya. It was not possible to collect revenue in a systematic manner. Ek systematic manner mein revenue collection nahi ho pa raha tha. The revenue officials indulged in harsh measures in case of non-payment or delayed payment. और जो revenue officials थे, जो revenue collect करते थे, वो बहुत harsh हो जाते थे अगर कोई revenue नहीं pay कर पाता था time से. Now interpretation: French peasants were the largest socio-economic group in France until the mid of 20th century. Now comes the Mahalwari system. The Mahalwari system was a modified version of the Zamindari system introduced in 1833. 1833 mein Mahalwari system aaya, jo ki ek improved version tha Zamindari system ka. In the Ganga Valley, the northwest province, parts of central India and Punjab, in jagahon pe Mahalwari system introduced kiya gaya. In this system, a settlement was made with a group of villages collectively called Mahal. और इस सिस्टम में क्या किया गया? एक सेटलमेंट किया गया. किसके बीच में? जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे कलेक्टिवली, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस, कुछ ग्रुप थे विलेजेस के, उसको कहा जाता था महल. उनके साथ ही सेटलमेंट किया गया. द लैंड इन दीज विलेजेस बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी विच वॉज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. और जो लैंड था विलेजेस में, गाँव में जो लैंड होते थे, वो विलेज कम्युनिटी के ही होते थे और वही जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल भी होते थे लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए. द फॉरेस्ट एंड पास्टर्स ऑल्सो बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी. और जो फॉरेस्ट और पास्टर्स थे वो भी विलेज कम्युनिटी के ही थे. असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज डन विलेज वाइज. और विलेज वाइज लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट किया जाता था. नाउ अगेन द लिमिटेशंस ऑफ द महलवारी सिस्टम. हर सिस्टम का एक लिमिटेशन होता था. तो इसका लिमिटेशंस क्या थे? ड्यू टू हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बिगैन टू पास इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स एंड इट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली अफेक्टेड द पुअर पीजेंट्स. अब क्योंकि लैंड रेवेन्यू की डिमांड बहुत हाई थी, इस कारण क्या होता था? बड़े बड़े जो एरियाज थे लैंड के, वो किसके हाथ में जाने लगे? मनी लेंडर्स के हाथ में जाने लगे. और क्योंकि जो विलेजर्स थे वो मनी लेते थे, उधार लेते थे इन मनी लेंडर्स से अपना लैंड रेवेन्यू देने के लिए, और अगर नहीं दे पाते थे तो वो लैंड मनी लेंडर्स ले लेते थे. दिस कॉज्ड ग्रीवेंस एंड अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द रूरल सोसाइटी. अब इससे क्या हुआ? रूरल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनमें आक्रोश फैलने लगा. इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया. इंडिगो मीन्स नील. नील की खेती इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. इंडिगो अ ब्लू डाई वॉज इन हाई डिमांड इन यूरोप. इंडिगो क्या था? एक ब्लू डाई था जिसकी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. कहाँ? यूरोप में. यूरोप में इस इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. इट वॉज यूज फॉर कलरिंग द ब्लू सर्ज यूनिफॉर्म्स वर्न बाय द ब्रिटिश पुलिस फोर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ. और ये किसके लिए यूज़ किया जाता था? उन यूनिफॉर्म्स को कलरिंग के लिए, जो ब्लू सर्ज यूनिफॉर्म्स होते थे जो कि ब्रिटिश पुलिस पहनती थी, पुलिस फोर्स और हॉस्पिटल स्टाफ पहनता था.
It was also used as the color of clothing worn by military personnel and millions of workmen. और उनके भी क्लोथिंग्स को कलर करने के लिए यूज़ होता था जो कि मिलिट्री पर्सनल्स पहनते थे और बहुत सारे वर्कमैन भी पहनते थे. दिस इज़ हाउ द टर्म ब्लू कॉलर वर्कर केम टू बी यूज्ड इन यूरोप. कौन सा टर्म यूज़ होने लगा? ब्लू कॉलर वर्कर. इंडिगो इज ऑलमोस्ट द ओल्डेस्ट डाइज टू बी यूज्ड फॉर टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग एंड इंडिया इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ इंडिगो डाइंग. ये जो इंडिगो है, नील जिसे कहते हैं, ये सबसे पुराना डाई है जो कि टेक्सटाइल डाइंग्स में या प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है और इंडिया एक सबसे पुराना सेंटर है इस इंडिगो डाइंग का. इट सप्लाइड इंडिगो टू यूरोप एज अर्ली एज द ग्रेको रोमन एरा. इंडिगो वॉज अ रेयर कमोडिटी इन यूरोप थ्रू आउट द मिडल एजेस. थ्रू आउट द मिडल एजेस ये जो और ये जो इंडिगो था, ये मिडिल एजेस में यूरोप में ये बहुत ही एक मतलब कम पाए जाने वाली चीज़ थी. इट वॉज ओनली आफ्टर द पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डे गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी दैट इट फाउंड इट्स वे टू यूरोप. अब तब तक ही ये कम मात्रा में पाए जाने वाली वस्तु रही इंडिगो, जब तक कि वास्को डे गामा जो कि एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एक सी रूट नहीं पता कर लिया 15th सेंचुरी में, जिससे कि कहाँ का सी रूट, दैट इट फाउंड इट्स वे टू यूरोप, यूरोप तक का सी रूट. इंडिगो फार्मर्स इन यूरोप वर रिचली पेड, बट सिंस इट इज अ प्लांट दैट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स द प्रोड्यूस वॉज नॉट प्रेडिक्टेबल. फाइन, ही वॉज वास्को डे गामा. वास्को डे गामा कौन थे? वो एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे. हाई डिमांड ऑफ इंडिगो. सी दीज आर द इंडिगो प्लांट्स. ऐसे होते हैं इंडिगो प्लांट्स, जिसे नील कहा जाता है. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर द डाई. अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद इन डाइज की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी, इंडिगो डाइज की, especially in the textile industries. सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी कहाँ थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. By this time, machines in Manchester produced large amount of cotton fabric which had to be dyed. अब इस टाइम तक क्या हुआ, जो मैनचेस्टर में मशीन्स थी, उन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट में कॉटन फैब्रिक बना लिया था जो कि डाई होना था. Since the climate of Britain was not suitable to produce the crop, it had to be imported from the Caribbean islands and North America. अब क्योंकि ब्रिटेन का जो क्लाइमेट था वो सूटेबल नहीं था इंडिगो की प्लांटिंग के लिए, इस क्रॉप के लिए, तो कहाँ से इम्पोर्ट किया गया? कैरेबियन आइलैंड्स और नॉर्थ अमेरिका से इसे इम्पोर्ट किया गया. Thus the British turned to India where indigo had been cultivated since medieval times. और इसी कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया इस इंडिगो के लिए, क्योंकि इंडिगो इंडिया में मेडिवल टाइम्स से उगाया जा रहा था. नाउ इंटरप्रिटेशन. महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया बाय फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स. इंडिगो फार्मर्स के लिए वो लड़े गांधी जी. ही वेंट टू चंपारण वेयर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स वॉज पैथेटिक. वो चंपारण भी गए जहाँ पे कि जो इंडिगो फार्मर्स थे, इंडिगो उगाने वाले जो फार्मर्स थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी. इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल. बंगाल बिकेम अ मेजर इंडिगो प्रोड्यूसिंग स्टेट. सबसे मेजर स्टेट कौन सा बन गया? बंगाल बन गया था ये इंडिगो प्रोड्यूसिंग स्टेट. द इंडिगो फ्रॉम बंगाल डोमिनेटेड द वर्ल्ड मार्केट. और जो बंगाल का इंडिगो था उसने वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट किया. इंडिगो डाई फैक्ट्री इन बंगाल. देखिए अब फैक्ट्री, जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस फैक्ट्री. दिस वॉज अ फैक्ट्री एट दैट टाइम फॉर इंडिगो डाई. नाउ सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. क्या सिस्टम थे इंडिगो कल्टिवेशन, कैसे होता था? देर वर टू सिस्टम्स फॉर इंडिगो कल्टिवेशन. फर्स्ट द निज कल्टिवेशन एंड सेकेंड वन इज रोयती कल्टिवेशन. दो तरह की कल्टिवेशन होती थी इंडिगो की. In the niche system, farmers produced indigo on their own fields. जो niche system था उसमें
जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो अपनी ही खेत पे इंडिगो उगाते थे. इन द रॉयती सिस्टम पीजेंट्स टुक लैंड्स ऑन रेंट फॉर इंडिगो कल्टीवेशन. और रॉयती सिस्टम में क्या था, जो पीजेंट्स थे वो लैंड को रेंट पे, उधार पे लेते थे इंडिगो की खेती करने के लिए. सी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल. नाउ द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन. अब इस निज कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम आई. In the beginning, the farmers adopted the niche system of cultivation where the farmers produced indigo on lands that they directly controlled. Pehle to farmers ne ye niche system adopt kiya cultivation ke liye, jahan pe ki farmers kya karte the, indigo kahan produce karte the, us land pe jo ki directly unke control mein tha. But there were many drawbacks with the niche system of indigo cultivation. Lekin is niche system के साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे. इंडिगो कुड बी ग्रोन ऑन फर्टाइल लैंड ओनली. इंडिगो प्लांटेशन वॉज लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव. अब इंडिगो को केवल फर्टाइल लैंड पे ही ये इंडिगो उगता था. अ फार्मर नीडेड टू इन्वेस्ट इन बुलक्स एंड प्लोज फॉर इंडिगो कल्टिवेशन. अब फार्मर को किस पे इन्वेस्ट करना पड़ता था, बुलक्स पे अपने, और जो प्लोज यूज करते थे कल्टिवेशन के लिए उस पे. The season of indigo cultivation was the same as rice cultivation. अब राइस का भी cultivation और indigo का cultivation दोनों एक ही time, season उनका एक ही था. So, land, labor and other resources needed to be diverted from rice to indigo. अब सारा land और जो जितना भी labor था वो rice से हट के indigo पे चला गया. Moreover, as most of the villages were densely populated, large-sized plots were also scarce. और जो villages थे, जो गांव थे, वो बहुत heavily populated थे, बहुत लोग रहते थे, तो large size के जो plots थे, वो भी नहीं मिलते थे. Farmers were not willing to divert the land from rice to indigo farming, cause damage to the fertility of the soil. अब जो फार्मर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपना जो लैंड है जिस पे कि वो राइस का कल्टीवेशन करते थे, राइस लगाते थे, वो इंडिगो के लिए दे दे, क्योंकि इंडिगो फार्मिंग से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उसको नुकसान पहुंचता था. द प्रॉब्लम विद रॉयती कल्टीवेशन. अब रॉयती कल्टीवेशन जो थी, देखिए निज सिस्टम से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई और कुछ प्रॉब्लम्स रॉयती कल्टीवेशन से भी आई. Planters forced the cultivators to sign a contract to get land for indigo cultivation. अब जो planters थे वो cultivators को क्या force करते थे, उनको ज़बरदस्ती करते थे कि वो एक contract sign करे जिससे कि उनको land मिले indigo cultivation के लिए. As per this contract, a peasant had to cultivate indigo on at least 25% of the land. अब इस contract में क्या था कि peasants को indigo का cultivation करना पड़ेगा at least 25% जो उनके पास लैंड था उस पे इंडिगो का कल्टीवेशन होगा. ओनली दिस कॉन्ट्रैक्ट कुड एनेबल अ फार्मर एसेस टू लोन्स फॉर इंडिगो कल्टीवेशन. और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था कोई फार्मर तो ही उसको लोन मिलता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए. अरेंजमेंट्स ऑफ सीड्स एंड अदर रिसोर्सेज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीजेंट्स. और बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे अरेंजमेंट सीड्स का या दूसरे रिसोर्सेज, वो पीजेंट्स की जिम्मेदारी थी. नाउ चिल्ड्रन, द स्पॉट इंस्पेक्ट, लेट्स डू दिस फर्स्ट. व्हाट लेड टू द फेलियर ऑफ द रॉयतवारी सिस्टम. द हाई टैक्सेशन लेड टू द फेलियर ऑफ द रॉयतवारी सिस्टम. व्हाट डज महल मीन्स. महल मीन्स अ रेवेन्यू यूनिट और द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन. रेवेन्यू यूनिट, रेवेन्यू यूनिट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन. ओके, महल का मतलब होता है एक रेवेन्यू यूनिट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन. विच वॉज द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेज. गांव में मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. Now children, let's move further. We were reading about the problems of the royalty cultivation. The price paid by British buyers for indigo was not very high. और जो British buyers थे, जो indigo के लिए जो दाम देते थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं देते थे. This resulted in endless debt traps for indigo peasants. Indigo peasants के लिए endless उधार, इतना उधार हो गया उन लोगों के ऊपर कि वो उसका चुकता नहीं कर सकते थे.
Diversion of fertile lands to indigo plantation further resulted in reduced production of rice. अब जो fertile lands थी उस पर indigo का plantation होने की वजह से ये जो rice का production है वो कम हो गया था. Once indigo was grown on a land, the land did not remain fertile enough for rice cultivation. एक बार अगर किसी land पे indigo उगा दिया जाता था तो उसके बाद वो rice उगाने के लिए suitable नहीं रहता था. The Blue Rebellion. In 1859, riots in Bengal refused to grow indigo and refused to pay rents to the planters. अब 1859 में क्या हुआ? जो राइट्स थे बंगाल के, उन्होंने इंडिगो का प्लांटेशन करने से मना कर दिया, इंडिगो उगाने से मना कर दिया और प्लांटर्स को रेंट भी देने से मना कर दिया. एट सम प्लेसेस दे इवन अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज एंड सोशली बॉयकॉटेड दोज पीजेंट्स हु वर्क्ड फॉर द प्लांटर्स. और कुछ प्लेसेस में तो इंडिगो फैक्ट्रीज पे भी अटैक किया गया और सोशल बॉयकॉट उन पीजेंट्स का कर दिया गया जो कि प्लांटर्स के लिए वर्क करते थे. Riots decided not to take any advances from planters to sow indigo. और उन्होंने riots ने decide कर लिया था कि वो कोई advance नहीं लेंगे planters से indigo उगाने के लिए. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought against the indigo planters. Even zamindars went around the villages urging the riots to resist the planters. In September 1860, the peasants refused to grow indigo under duress. September 1860 mein peasants ne indigo ugane se mana kar diya. The revolt started from a small village in Bengal. Ab ye revolt kahan se start hua? Ek chote se gaon, Bengal ke ek chote se gaon se, Govindpur in Nadia district, and the leadership was provided by Digambar and Bishambar Bishwas, ex-employees of the planters. और ये जो revolt start हुआ इसको lead किसने किया? Digambar और Bishambar Bishwas ने, जो कि planters के ex-employees थे. They gave up indigo cultivation and when the planters sent lathials to attack their village, they fought back with the help of villagers. और उन्होंने indigo cultivation रोक दिया और जब planters ने लाठियाल्स मीन्स जो वेपन हाथ में लाठी लेके जो लोग अटैक किया जिन्होंने विलेज पे, तो इन लोगों ने फाइट बैक किया विलेजर्स की मदद से. द इंडिगो अपराइजिंग सून स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑफ बंगाल. और ये रिवोल्ट फैल गया पूरे पार्ट्स में बंगाल के. द पीजेंट्स इवन फाइल्ड केसेस अगेंस्ट द प्लांटर्स. पीजेंट्स ने प्लांटर्स के अगेंस्ट केस भी फाइल कर दिया. They also boycotted other peasants who were still cultivating indigo. और उन्होंने उन peasants का boycott किया जो अभी भी indigo उगा रहे थे. Ultimately, the planters could never withstand the collective might of the peasants and began shutting down factories. और इतने huge amount में जब इतने बड़े scale पे जब ये revolt हुआ तो planters नहीं खड़े हो पाए उनके सामने और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो थी इंडिगो फैक्ट्रीज वो बंद करनी शुरू कर दी. इंडिगो प्लांटेशन एट दिस टाइम ग्रेजुअली मूव टू बिहार वेयर एज लेट एज 1917 महात्मा गांधी टुक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स अगेंस्ट द लोकल प्लांटर्स इन चंपारण. और ये बिहार की साइड पर मूव हो गया जहाँ महात्मा गांधी ने इंडिगो कल्टिवेटर्स और इन्हीं के लिए फाइट किया था लोकल प्लांटर्स से चंपारण में इनके राइट्स के लिए. सी महात्मा गांधी इन द चंपारण सत्याग्रह. चंपारण इज इन बिहार और यहाँ भी जो इंडिगो की खेती होती थी उसमें चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था. नाउ द कैटलॉग चिल्ड्रन फ्यू वर्ड्स. Diwani rights. The right to collect revenue was given to the company by the Mughal emperor. Royat, a cultivator. Cultivator ko royat bola jata hai. Plantation, large estates growing commercial crops, employing various forms of labor. Debt trapped. Trap, situation where you are forced to take new loans in order to repay the existing debt. कोई उधार, पुराना उधार चुकाने के लिए नया उधार लेना, नया लोन लेना
उसको कहा जाता है डेट ट्रैप. मर्चेंट, अ पर्सन हुज बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग गुड्स फॉर द प्रॉफिट. बॉयकॉट, टू रिफ्यूज टू बाय अ प्रोडक्ट और टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी. नाउ अ लुक ओवर टू दिस चैप्टर चिल्ड्रन. Villages were seen as important sources of revenue and as an integral part of the Indian society. The British introduced three land revenue systems. Kaun kaun se the teen land revenue systems? Permanent settlement, Mahalwari system and Raitwari system to increase income from. Farmers were forced to grow many crops for Europe. Europe ke liye bahut sare क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया था फार्मर्स को. इंडिगो कल्टिवेशन डिड नॉट प्रूव बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स एंड हेंस वाइड स्प्रेड रेबेलियन टुक प्लेस इन विलेजेस. द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू पेसिफाई पीपल टू कंट्रोल द ब्लू रेबेलियन. नाउ द एस्टिमेशन कॉर्नर चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. रॉयट्स एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड बाय महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एन जी रंगा. इट वॉज फॉर्म्ड बाई एन जी रंगा. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन द ईयर 1867, 1857, 1793, 1875. It was in 1793. Indigo, a blue dye, was in high demand in. कहाँ डिमांड में थी इंडिगो? इंडिया, बंगाल, यूरोप, अमेरिका. इट वॉज इन यूरोप. The Champaran movement in Bihar, led by Mahatma Gandhi, took place in the year. In which year? 1917, 1900, 1860, 1857. It was in the year 1917. For which state did the East India Company get the Diwani rights? East India Company ko Diwani rights kaun se state ke liye mili thi? Madras, Bombay, Bengal, Punjab. It was for Bengal. Okay? Now let's move further. Fill in the blanks. Villages lost their dash under the British rule. British rule mein villages ne kya kho diya tha apna? They lost their land rights. They lost their land rights. Okay? Under the Mahalwari system, the land collectively belonged to the kisko belong karti thi is Mahalwari system ke under? किसके किसको बिलोंग करती थी ये लैंड? एंड टू द विलेज कम्युनिटी. टू द विलेज कम्युनिटी. ओके, नाउ द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन ब्रिटेन बिकॉज ऑफ. ब्रिटेन में इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ गई थी? बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ ब्लू डाई. टर्म डैश केम टू बी यूज इन यूरोप. कौन सा टर्म यूज किया जाने लगा था यूरोप में? ब्लू कॉलर वर्कर. इट वॉज ब्लू कॉलर वर्कर. द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? इट वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स. फाइन. एंड फाइनली द रॉयट्स वर. रॉयट्स कौन थे? दे वर द फार्मर्स. ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. The permanent settlement was introduced by Warren Hastings in the year 1782. This is false, children. India is believed to be the oldest center of indigo dyeing. Yes, true. The peasants prior to the coming of the British produced enough to pay the revenue. False. Moneylenders did not gain much under the British rule. False. They gained a lot. Indigo was used in medicines. Yes, true. And net system was related to zamindari. No, false. Fine. Now let's move further. Match column A with column B. Lathials. Who were Lathials? They were armed goons. So
we match Latials to armed goons. Champaran, where is Champaran? It's in Bihar. Champaran is in Bihar. The Draitwari settlement. It was in 1820. It was done in 1820. Introduced in 1820. Now, permanent system. What is permanent system? Who introduced it? The permanent system was introduced by Lord Cornwallis. And the Malwari system, it was introduced in 1833. So, we match it here. Okay, children, I hope you have understood this chapter very well. And we'll meet again with a new chapter, something new, something more interesting to read. Till then, be happy, stay blessed. Bye, and thanks for watching the video.